केला बेचने वाली चुड़ैल। एक बार की बात है, जादूपुर नाम के गांव में करतब दिखाती एक औरत एक रेड्डी के लिए गांव में आती है। आइए आइए मेहरबान कदरदान, खाइए रोहना के ताजे ताजे केले, कभी खाए नहीं होंगे ऐसे केले, पीले पीले केले खाइए। ये कहकर रोहना हाथों में चार केले लिए उन्हें सर्कल में जोर जोर से हवा में उछालती हुई करतब दिखाती है, जिसे देखकर आसपास के सारे बच्चे अपने अपने मम्मी पापा से उस औरत के पास जाने की जिद करने लग जाते हैं। पापा, ऐसा तो सर्कस में बॉल से होता है ना, ये आंटी तो केले से कर रही है, चलिए ना पापा देखते हैं। रोहना एक पतली सी तार पर चलती हुई केलों से करतब दिखाती है। आते जाते सभी लोग बाहर रुककर उसके करतब देखते हैं और वाह वाही करते नहीं थकते। जैसे ही एक आदमी पास आकर उसे पैसे देने लग जाता है, तब वो कहती है, अरे नहीं नहीं साहब, मैं करतब तो बच्चों के मन को बहलाने के लिए करती हूँ, धंधा तो मेरा केले का है। पीछे देखो मेरी रिड्डी, जो भी मेरे केले खाएगा मेरी तरह चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त हो जाएगा। पता चलता है क्या कि मेरी उम्र 55 की है। अरे पर ऐसे ठंड के मौसम में कोई केला क्यों खाएगा? ये ऐसे वैसे केला नहीं है साहब, ये शरीर में गर्मी देते हैं, ठंड को दूर भगाए जो भी रोहिणा के केले खाए। पापा, अगर मुझे केले नहीं मिले तो मैं घर नहीं जाऊंगी। तभी उसके पापा कहते हैं कि बेटा, केले ठंड में कभी गर्मी नहीं देते, ये सब कहने की बातें हैं, सामान बेचने का तरीका है इनका। पर पिंकी नहीं मानती। मैं केले खाऊंगी। पिंकी की जिद के आगे नथू हार जाता है और उसे केले खरीद कर दे देता है। पिंकी खुश होकर केले घर ले आकर खाती है। अब मैं भी करतब करूंगी, कितना मजा आएगा, जादुई केले। पिंकी पहला केला खत्म भी नहीं करती कि वो बेहोश हो जाती है। दूसरे केले से एक काला धुआं आता है और रोहना चुड़ैल बनकर बाहर निकल आती है। मेरे भूतिया केले बच्चे न खाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जादूपुर वालों, कब तक बचोगे? आ गई हूँ मैं रोहना, जिसका कोई नहीं कर सकता सामना। रोहना पिंकी को गोद में उठाकर काले धुएं में कहीं गायब हो जाती है। शाम के वक्त नथु घर लौटता है और पिंकी को घर में ना पाकर उसकी माँ से कहता है, माँ, माँ पिंकी कहाँ है? अरे बेटा, उसे तो तू सुबह करतब दिखाने ले गया था ना, फिर कहाँ वापस आए तुम दोनों? मुझे लगा तू उसे अपने साथ मंडी ले गया होगा। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ गई? मैं उसे घर ही तो छोड़कर गया था माँ। नथु गांव के घर कोने में अपनी बेटी को ढूंढता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलती। परेशान होकर आके रो रो कर नथु हिम्मत हार कर घर लौट आता है। अगली सुबह रोहना फिर से करतब दिखाने आती है और इस बार पिंकी की तरह रोनी केले खरीद लेता है। 50 रुपए दिए थे पापा ने, सारे पैसों की मैंने केले खरीद लिए हैं, अब मैं भी आंटी की तरह ही करतबबाज बन जाऊंगा। यही सोचते हुए रोनी केले खाता है और पहला अकेला केला आधा खत्म भी नहीं करता कि चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। मेरे साथ चलने का समय आ गया है रोनी। ये तो बस शुरुआत है, अब इस गांव के सारे बच्चे धीरे धीरे मेरे कब्जे में होंगे, एक बच्चा भी नहीं बचेगा। ये कहकर रोना रोनी को गोद में लेकर काले धुएं में अदृश्य हो जाती है। इसके बाद हर रोज गांव में से कोई ना कोई बच्चा गायब होता, पर ऐसा क्यों हो रहा है किसी को भी समझ में नहीं आ पा रहा था। रोज की तरह अपनी बेटी पिंकी की तलाश में नथु गांव के एक तालाब के पास बैठा रो रहा था। कहां गई मेरी पिंकी? शकुंतला के जाने के बाद एक वही तो मेरा सहारा थी, अरे उसकी आत्मा कोस रही होगी मुझे कि मैं अपनी बच्ची को संभाल भी नहीं पाया। नथु ये कहता हुआ रो ही रहा था कि तभी तालाब में से उसे शकुंतला की आवाज सुनाई देती है। कहां थी तुम शकुंतला? हमारी बच्ची और सारे गायब हुए बच्चे रोहना के कब्जे में हैं। वो बच्चों को जो केले देती है उससे बच्चे बेहोश हो जाते हैं और उसके कब्जे में आ जाते हैं, और वो उन्हें ले जाकर काली दुनिया में ले जाती है। पर वो ऐसा क्यों कर रही है? ये मैं नहीं जानती,
पर उस दुनिया का रास्ता मैं आपको बता सकती हूँ। जहाँ ये नदी खत्म होती है वहाँ एक केले का पेड़ है, उसके नीचे एक दरवाज़ा है, वहीं से रास्ता जाता है उस दुनिया का। ये कहकर शकुंतला की आत्मा गायब हो जाती है। गांव के सभी लोग झुंड बनाकर उसी रास्ते से काली दुनिया में चले जाते हैं और वहां देखते हैं कि सारे बच्चे वहां काम कर रहे थे। पापा मुझे ले चलो यहां से, पापा पापा। सभी बच्चे अपने मम्मी पापा से लिपट जाते हैं। तो तुम लोग यहां तक आ गए? क्यों, हमारे बच्चों को पकड़ लिया तूने, तुझे शिकार ही बनाना है तो ले, हम सब आ गए हैं, हमें खा ले। नहीं, मुझे बच्चे चाहिए, मेरे बच्चे के बदले तुम लोगों के बच्चे। क्या मतलब? मैं इसी गांव में रहने वाली एक औरत थी, केले की चोरी के इल्जाम में मेरे बेटे को गांव वालों ने इतना मारा कि वो मर गया। उसी दिन मैंने ठान लिया कि गांव वालों का भी वही हाल करूंगी। कुछ दिन बाद बेटे के चले जाने के दुख में मैं भी मर गई और मेरी भटकती आत्मा एक चुड़ैल बन गई, और फिर मैंने बदला लिया तुम सबके बच्चे छीनकर। बर्दाश्त नहीं कर पाए ना, सोचो मुझ पर क्या बीती होगी। हमें माफ कर दो रोना, पता नहीं ये किसकी गलती थी पर हम सभी माफी मांगते हैं, हमारी खुशियां लौटा दो, तुम भी तो एक माँ हो। गांव वालों की बात सुनकर रोना का मन पिघल जाता है और वो बच्चों को छोड़ देती है। उसके बाद काली दुनिया बच्चों के लिए जादुई दुनिया बन जाती है। अब कोई भी कभी भी वहां आ जा सकता था।